हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वीडियो ऑन डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल। आवर टुडेज प्रैक्टिकल इज प्रैक्टिकल नंबर 18, दैट इज चेक द फंक्शनिंग ऑफ द आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आई एम सुवर्णा घाटे, लेक्चरर, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। फर्स्ट वी सी द लर्निंग आउटकम। द लर्निंग आउटकम इज After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is understand the different application of special purpose transformer. तो जो isolation transformer है वो under आता है special purpose transformer के बारे में, तो इस practical से आपको उसका knowledge मिलेगा। The learning outcome, understand the special purpose transformer, that is the isolation transformer. प्रैक्टिकल नंबर 18, द चेक द फंक्शन ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, इन इंडस्ट्री आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इज यूज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट AC टू सम इक्विपमेंट और डिवाइस व्हाइल आइसोलेटिंग द पावर डिवाइस फ्रॉम द पावर सोर्स। यूजुअली फॉर सेफ्टी रीजन थ्रू दिस प्रैक्टिकल स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज़ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। जब भी आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे, तब इंडस्ट्री में अगर आपको पावर को ट्रांसफ़र करना है, जैसे AC पावर को आपको लेना है किसी भी डिवाइस में, देन उसको आइसोलेट करना ज़रूरी है फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कैसे यूज़ किया जाता है और उस पर प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म किया जाता है ये सीखने को मिलेगा। आपके यहाँ PO सेटिस्फाई हो रहा है डिसिप्लिन नॉलेज, अप्लाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नॉलेज टू सॉल्व ब्रॉडबेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। आपको इलेक्ट्रिकल का यहाँ से बेसिक नॉलेज मिल रहा है जो आपका डिसिप्लिन नॉलेज होता है। देन एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हो एंड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का फंक्शन देखने वाले हो, दैट्स वाई आपका एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस ये PO सेटिस्फाई हो रहा है। देन हम देखते हैं कॉम्पिटेंसी एंड स्किल, एबिलिटी टू चेक द आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इससे आपको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की क्या एबिलिटी है, उसका फंक्शन कैसे चेक किया जाता है ये समझ में आ रहा है। देन आपका प्रैक्टिकल आउटकम सेटिस्फाई हो रहा है, द चेक द फंक्शनिंग ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर किसको बोला जाता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है ये हमें समझ में आएगा। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें आप इनपुट साइड में जितना वोल्टेज देते हो उतना ही वोल्टेज आपको आउटपुट साइड में मिलता है, जो हम इस प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आप यहाँ देख रहे हो सिंगल फेज AC सप्लाई कनेक्टेड है हमारे सिंगल फेज वैरियक को। सिंगल फेज वैरियक को ही हम दूसरा नाम है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। देन वोल्टेज सोर्स हमेशा कैसे कनेक्टेड होता है, सर्किट डायग्राम में पैरेलल में कनेक्टेड होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर, दिस इज द 1-to-1 ट्रांसफार्मर। तो आप देख रहे हो ट्रांसफार्मर के पैरेलल में प्राइमरी साइड में एक वोल्टेज कनेक्टेड है और सेकेंडरी साइड में एक वोल्टेज कनेक्टेड है, और इसी वोल्टेज से एक कनेक्शन गया है कॉमन ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर एंड सेकेंड टू द वेरियक ऑफ द। देन रिसोर्सेज हमें यूज़ करने हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, देन हम ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे और हम वोल्टमीटर यूज़ करेंगे। अगेन दिस इज़ द प्रिकॉशंस टू बी फॉलो। आपको प्रैक्टिकल लिखते वक्त ये प्रिकॉशंस लिखने हैं, ये प्रोसीजर भी लिखनी है। अब देखेंगे हम प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। दिस इज़ द AC सप्लाई, यहाँ से हमने ऑटो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर के दो पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है और एक वेरियक है। देन यहाँ से हम एक कनेक्शन जाएगा वोल्टेज के कॉमन पॉइंट को ऑटो ट्रांसफार्मर के कॉमन पॉइंट से। देन ऑटो ट्रांसफार्मर के वेरियक से एक
पॉइंट जाएगा वोल्टमीटर के रेंज को। तो यहाँ पे हमारा वोल्टमीटर है 0 to 300 एंड 0 to 600। तो हमने रेंज यूज़ की है 0 to 300, दैट्स वाई हमने वेरियक को कनेक्ट किया है 300 के रेंज को। अगर हमने 600 यूज़ किया होता तो ये कनेक्शन हम यहाँ पे करते थे। देन वोल्टमीटर कनेक्टेड रहेगा ट्रांसफॉर्मर को पैरेलली। तो एक कॉमन पॉइंट जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट को और रेंज का एक कनेक्शन जाएगा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के एंडिंग पॉइंट को। दिस इज़ द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। दिस इज़ द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। अगेन हमने सर्किट डायग्राम में बोला था कि वोल्टमीटर को हमको ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में पैरेलली कनेक्टेड करना है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट हमने रेंज को दिया है और एंडिंग पॉइंट हमने यहाँ पे कॉमन को कनेक्ट किया है। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का क्या फंक्शन है? ये एक 1-to-1 ट्रांसफार्मर है। हमने यहाँ पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 1 KVA, प्राइमरी वाइंडिंग भी 230 वोल्ट है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी 230 वोल्ट है। तो ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का फंक्शन वर्क करेगा। मतलब जितना वोल्टेज हम प्राइमरी साइड में देंगे उतना ही वोल्टेज हमें कहाँ मिलना चाहिए? सेकेंडरी साइड में मिलना चाहिए। अब हम एसी सप्लाई को ऑन करेंगे। तो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे है? जीरो पे है। अब हम इसको वैरी करेंगे। जैसे जैसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर के वैरियक को रोटेट करते जाएंगे वैसे वैसे ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पे वोल्टेज शो करते जाएगा। अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है हमने प्राइमरी वोल्टेज को 80 वोल्ट पे सेट किया है। तो एज द फंक्शन ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हमारा सेकेंडरी वोल्टेज भी कितना मिलना चाहिए? 80 मिलना चाहिए। तो आपको यहाँ शो हो रहा है 75 के ऊपर है। मतलब ये अप्रोक्सीमेट टू कितना है? 80 है। मतलब हमारी पहली रीडिंग हम यहाँ पे रीडिंग बॉक्स में लिखते हैं। दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन टेबल। प्राइमरी वोल्टेज अगर हमें 80 वोल्ट मिलता है तो हमें सेकेंडरी वोल्टेज भी कितना मिलेगा? 80 वोल्ट। वोल्टेज रेशियो क्या है? V2/V1। V2 कितना है? 80 डिवाइडेड बाय V1 कितना है? 80। 80/80 इज वोल्टेज रेशियो इज 1। अब हम देखते हैं सेकेंड रीडिंग के लिए। फिर से हम ऑटो ट्रांसफार्मर के वेरियक को रोटेट करेंगे। अब हम देखते हैं 120 वोल्ट के लिए हमने ये सेट किया है 120 पे। तो सेकेंडरी साइड भी हमें कितना मिलना चाहिए? 120 मिलना चाहिए। 125 है। इसके पहले ही थोड़ा हमारा पॉइंटर दिखाई दे रहा है। मतलब ये अप्रोक्सीमेट टू 120 है। तो हमारी सेकेंड रीडिंग कितनी होंगी? 120 वोल्ट। यहाँ पे भी हमें 120 मिलता है। 120 डिवाइडेड बाय 120 द वोल्टेज रेशियो इज 1। इसके बाद आपको लिखना है रिजल्ट। रिजल्ट में क्या लिखोगे आप? V2/V1 इज इक्वल टू 1। हेंस आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इज अ 1-to-1 ट्रांसफार्मर। कंक्लूजन में क्या लिखोगे? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इज 1-to-1 ट्रांसफार्मर, हेंस वी परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन दिए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर आपको गूगल सर्च करके लिखने हैं। थैंक यू।